देखो ये क्वेश्चन है सर, एग्जाम फोबिया को कैसे कंट्रोल करें। मेरा एग्जाम है प्लीज बताइए, हार्ट बीट बढ़ रहा है। ये बहुत ही एक बड़ा प्रॉब्लम है, स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा भर दिया जाता है जैसे ये एग्जाम ही तुम्हारा जिंदगी है। एकदम बचपन से सबका, पेरेंट्स का, रिश्तेदार का, स्टूडेंट का, खुद का भी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा एक्सपेक्टेशन हो जाता है फ्रॉम एनी एग्जाम। तो वो क्या होता है कि उसको उसको फोबिया में कह जाता है। ऐसे मेरे पास, मेरे साथ स्टूडेंट जो लोग रहता था उसको भी देखा, जितना एग्जाम आता जा रहा है खाना नहीं खा पा रहा है। मतलब ये क्या बात है भाई, तुमको अभी दिमाग शांत रख के काम करना है। और जो जितना कूल रहेगा, जो जितना शांत रहेगा, वो उतना अच्छा परफॉर्म करता कर सकता है एग्जाम में। तो इसलिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सब कुछ पढ़ लूंगा, आज ही सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपका एक लर्निंग कार्व है, आप जिस तरह से पढ़ते जा रहे हो, वो पढ़ाई जिस तरह से करते जा रहे हो, धीरे धीरे लर्निंग बढ़ता जाएगा। फिर एग्जाम सेंटर में जाके टेंशन लेने से वो लर्निंग जो आपका था वो भी खराब हो जाता है। इसलिए एग्जाम सेंटर एक ऐसा जगह है जहां पे आपको बहुत ही शांति से, चैन से, मतलब इतना चैन से एग्जाम देना होता है कि बिल्कुल टेंशन दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए ना, सिर्फ वो जो क्वेश्चन है 100% फोकस उस क्वेश्चन में होना चाहिए। उसका क्या आंसर हो, क्या मैंने सीखा हूं, क्या उसका आंसर दे सकता हूं, वो सोचना चाहिए। अब उस टाइम में अगर आपका ब्रेन में टेंशन है कि मेरा मार्क्स कितना मिलेगा, मेरा सक्सेस होगा नहीं होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मेरा 80% आएगा नहीं आएगा, सबको मुंह तोड़ जवाब दूंगा नहीं दूंगा, ये जितना अदर देन दिस आप सोचते रहते हो, मेनली आपका कर्म में फोकस करना है ना कि फल में। ये बात होता है कि आप कर्म अगर अच्छा करोगे फल तो अच्छा आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब कर्म करने जा रहे हो, अगर ब्रेन आपका हाई बीपी हो गया, वो हो जाता है, लगा हार्ट बीट बढ़ जाता है, ये सब जो चीज हो रहा है कि दैट इज ड्यू टू योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट एग्जाम। आप एग्जाम से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, आप सिर्फ अपना बेस्ट दो, और अगर आपने अपना बेस्ट दोगे अपने आप आउटकम अच्छा आएगा। अब ये चीज को ना समझ के सारे लोगों का क्या होता है, कुछ लोग तो जाके मतलब कुछ मानत कर लेता है, ये कर लेता है। ऐसे हमारा बचपन से बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा हूं कि ये सब चीज से कुछ नहीं होने वाला है। जो होने वाला है वो अपना शांति से पढ़ाई करता रहना है। जितना टाइम जा रहा है आपका एग्जाम सेंटर से, एग्जाम से प्रिपरेशन का भी, कि जो जो चीज हमारा हुआ है पूरा एक बार्ड साहिब रखे कि कौन कौन सा टॉपिक और मुझे पढ़ना है, उसको ऊपर फोकस करे, वो पढ़ाई करते रहे। एंड एग्जाम सेंटर में एकदम शांति से जाए, पानी बोतल लेके जाए। एग्जाम सेंटर में जो है कि पानी का प्यास लगना ठीक नहीं है, उसमें पानी बोतल लेके जाए। एंड उसके बाद वहां पे एकदम शांति से एग्जाम देते रहे, क्वेश्चन देखो आंसर दो, क्वेश्चन देखो आंसर। एंड इवन इफ एग्जाम सेंटर में भी उसका प्रीवियस क्वेश्चन एंड उसका आगे क्वेश्चन का सोचना नहीं होता है, सिर्फ जिस क्वेश्चन में आप फोकस कर रहे हो, जिस क्वेश्चन का अभी आंसर दे रहे हो उस टाइम में। आप बोलता है सर इसका कोई एक जुगाड़ बताइए जिससे हम ये कर सकता है। तो इसमें मंडल का एक जुगाड़ है कि जैसे आप भटकते हो, जैसे आप भटकते हो, तो उसमें एक काम करना है, ऐसे आंख बंद करके आपको देखना होगा सांस जो जा रहा है और जो आ रहा है, ये जो जा रहा है आ रहा है उसको फील करना है। वो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाबा रामदेव की तरह मैं सिखा रहा हूं अनुलोम विलोम, वो नहीं है। सांस जो जा रहा है और सांस जो आ रहा है उसको आपको फील करना है। ऐसे अगर 30 सेकंड भी करोगे तो आप जो है, आपका जो है वो चीज बेचैनी जो है खत्म हो जाता है। ये बहुत खतरनाक चीज है। और दूसरा होता है कि अगर कभी भी लगे मैं टेंस हो रहा हूं तो उसके टाइम में क्या करना पड़ता है ना, बहुत जोर जोर से सांस लेते रहो और सांस छोड़ते रहो, उसमें भी बेचैनी खत्म हो जाता है। बहुत जोर जोर से ऐसे करते रहना है, छोड़ते रहना है, तो उससे भी बेचैनी खत्म हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये सब तो टेक्निक है, लेकिन ये टेक्निक में हमें जाना ही क्यों है, हम टेंशन लेना ही क्यों है। एक्सपेक्टेशन खत्म करो, अपना कर्मों में भरोसा रखो एंड अपना कर्मों मैक्सिमम एफर्ट देके करो, तो आपको ये सब नौबत में पढ़ना ही नहीं है। हमेशा याद रखे, गॉड हेल्प दोस हु
हेल्प देमसेल्व्स, मतलब सिर्फ खाली मन्नत मांगने से, खाली इधर उधर सोचने से कुछ नहीं होगा, अपना कर्म को और अच्छा करो, अपने आप को गढ़ कर जाओ।